तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप हीमोग्लोबिन लेवल को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाने के टोटल तीन तरीके हैं। पहला तरीका ये कि आप एलोपैथी मेडिसिन की मदद से आप हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ा सकते हैं। दूसरा तरीका ये कि आप आयुर्वेद की मदद से आप हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ा सकते हैं। और तीसरा तरीका ये है कि आप नेचुरली हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ा सकते हैं। नेचुरली यानी कि यहाँ पर डाइट की बात हो रही है कि आपको ऐसी क्या क्या चीजें खानी चाहिए जिससे कि आपका हीमोग्लोबिन लेवल जो है काफी तेजी से बढ़ने लगेगा। तो इसमें जो सबसे असरदार तरीका है वो है नेचुरली, यानी कि आप नेचुरली अगर हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाएंगे तो ये आपकी बॉडी के लिए भी काफी ज्यादा अच्छा होगा, आप मेडिसिन से बच सकते हैं। और कई केस में ऐसा होता है कि हमारा हीमोग्लोबिन लेवल काफी ज्यादा कम हो जाता है तो ब्लड चढ़ाने की भी जरूरत पड़ जाती है, या फिर कई बार आपको डॉक्टर मेडिसिन के साथ साथ एक प्रॉपर डाइट प्लान भी फॉलो करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको मेडिसिन दी है डॉक्टर ने तो उस मेडिसिन को भी आपको कंटिन्यू रखना है और जो डाइट है उसको भी आपको लेते रहना है, जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको हीमोग्लोबिन लेवल को कैसे बढ़ाना चाहिए, आपको ऐसी क्या क्या चीजें खानी चाहिए जिससे कि आपका विद इन 1 वीक हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ने लगेगा। तो आइए जानते हैं कि आपको क्या क्या चीजें खानी चाहिए। उसमें जो सबसे पहला है वो है फ्रूट्स, यानी फलों में आपको किन किन फलों का आपको सेवन करना है। उसमें आप सेब का सेवन कर सकते हैं, आपको पपीते का सेवन करना है, संतरे का सेवन कर सकते हैं, आप स्ट्रॉबेरी का सेवन कर सकते हैं, अंगूर का आप सेवन कर सकते हैं, केला अनार तरबूज का आप सेवन कर सकते हैं, इसके साथ साथ आप कीवी का सेवन कर सकते हैं और आप अमरूद का भी सेवन कर सकते हैं। तो ये सारे कुछ फल हैं, इन फलों का आप सेवन करके आप इजिली हीमोग्लोबिन लेवल को आप बढ़ा सकते हैं। ओके, इसका सेवन आपको कैसे करना है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके, उसमें जो दूसरा आता है सब्जियों में, यानी वेजिटेबल्स में आपके ऐसी कौन कौन सी सब्जी खानी है जिससे कि आपका हीमोग्लोबिन लेवल काफी तेजी से बढ़ेगा। उसमें जो सबसे पहला है वो है आपको शिमला मिर्च का सेवन करना है, आपको ब्रोकली का सेवन करना है, टमाटर का सेवन आप कर सकते हैं, पालक बीन्स का आप सेवन कर सकते हैं, इसके साथ साथ आप गाजर शकरकंद का सेवन कर सकते हैं, और जो भी आपको ग्रीन वेजिटेबल्स हैं जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उन सब्जियों का आप सेवन कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। तो इन सारी सब्जियों का आप सेवन करके इजिली काफ़ी तेजी से आप हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ा सकते हैं। और इसमें जो चुकंदर है उसको आपको जरूर से जरूर सेवन करना है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। ओके, यहाँ पर जो तीसरी चीज आती है ड्राई फ्रूट्स। अब ड्राई फ्रूट्स की मदद से भी आप हीमोग्लोबिन लेवल को काफी तेजी से बढ़ा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में जो हाईली रिकमेंड रहेगा खजूर और किशमिश, ये दो चीज तो आपको जरूर से जरूर सेवन करनी है। इसके साथ साथ आप काजू बादाम गिरी मूंगफली इन सारी चीजों का भी आप सेवन कर सकते हैं, बट खजूर और किशमिश तो आपको जरूर से जरूर सेवन करना है। किस तरीके से आपको इनका सेवन करना है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके, यहाँ पर जो फोर्थ चीज आती है वो आती है नेटल लीफ। अब नेटल लीफ की मदद से भी आप हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ा सकते हैं, ये एक आयुर्वेदिक तरीका है हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाने का। तो जो भी आप जनरली कॉफी चाय वगैरह पीते हैं उसकी जगह पे आप कॉफी चाय आप एक टाइम कम करके आप नेटल लीफ अपने डाइट प्लान में आप एड ऑन करिए, ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा। नेटल लीफ का सेवन आप मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में भी कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, नॉर्मली काफी इजिली भी बन जाता है और मार्केट में भी आपको नेटल लीफ इजिली मिल जाएगा, ऑनलाइन भी आपको इजिली मिल सकता है। ओके, यहाँ पर जो फिफ्थ चीज आती है अदर्स में। अब अदर्स में ऐसी कौन सी चीजें हैं, देखिए जो भी जो हाई रिच प्रोटीन डाइट होती है जैसे कि जो सोयाबीन हो गया, दालें होगी तरह तरह की, इन सारी चीजों का तो आपको सेवन करना ही है। ठीक है, इसके साथ साथ जो कैल्शियम जिसमें प्रेजेंट होता है जैसे दूध दही दूध से बनी हुई चीजें, इन सारी चीजों का भी आपको सेवन करना है। और यहाँ पर आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है कि जो भी मैंने आपको सब्जियां बताई, जो अब मैंने आपको फल बताए, जो ड्राई फ्रूट्स बताए, इनका सेवन आपको कैसे करना है। देखिए यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जो फल है आपको पूरे दिन भर में 2 टाइम आपको फल जरूर खाना है, एक आप मतलब 11 से 12 बजे के बीच में खा सकते हैं और एक आप इवनिंग में खा सकते हैं। और दूसरा जो ड्राई फ्रूट्स है इसका भी सेवन आपको मॉर्निंग में जरूर करना है। और जो सब्जियां हैं, जो भी आप नॉर्मल रोटी चावल ये सारी चीजें खाते हैं तो सब्जी की एक कटोरी लेनी है पूरी हरी सब्जी की। ठीक है, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिट रहेगा। रोटी जो है उसका आप सेवन कर सकते हैं, चावल का आप सेवन कर सकते हैं, इसमें ब्राउन राइस खाएंगे तो ज्यादा फायदा करेगा। ओके, और जो भी जो दालें हैं इनका भी आपको सेवन जरूर करना है। ठीक है, और रात में सोने से 3 घंटे पहले आपको खाना खा लेना है, इन सारी चीजों को ध्यान रखना है। और थोड़ा सा आपको जो भी 10 से 15 मिनट जो टाइम मिले उसमें आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज करना है, जो आपको मूड में आता है, थोड़ा सा आपको वॉक करना है, जो भी आपको ठीक लगे वो आपको बॉडी एक्टिविटी थोड़ी सी करनी है। ठीक है, और एक हेल्दी डाइट जो भी मैंने आपको देखा कि जो भी मैंने आपको चीजें बताई वो सारी चीजें एक हेल्दी है, हेल्दी चीजें आपको लेनी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें और ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट के लिए अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद।